हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम हियर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो टुडे आई एम कमिंग विथ न्यू कंटेंट। तो आज का जो कंटेंट है वो है एक्सरसाइज। एक्चुअली हमें पता है कि लेडीज और जेंट्स, एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक बेसिक वार्म अप लेके आया हूं। अगर हर रोज आप 20 मिनट्स ये एक्सरसाइज करने वाले हो तो आपको 7 दिन के अंदर ये रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिवली मिलने वाला है। अगर आपके फैट्स है, वेट है, अगर उसको लॉस करना है, रिड्यूस करना है, तो आप ये 7 दिन में कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज खुद के बॉडी के लिए हमें ईमानदारी के साथ 20 मिनट्स तो करना ही है, तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो अभी मैंने जो बेसिक सीखा है इसके बाद मैं एडवांस सिखाने वाला हूँ। तो आपकी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो जो मैं सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, वो रहेगा पूरा का पूरा एप्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और आज का फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन एकदम एनर्जी के साथ हम चालू करते हैं। तो चलो फॉलो। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें हमारे जो हैंड है वो राउंड करने हैं, दोनों साइड से करने हैं, मतलब एक बार आगे से, एक बार पीछे से। उसके बाद हम करने वाले हैं नेक राउंड। जब भी हम नेक राउंड करेंगे वो स्लोली करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमारी नेक में भी दर्द हो सकता है। तो स्लोली रिवर्स करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको हर एक स्टेप 5 सेकंड मिनिमम करनी है, वो भी स्लोली। तो उसके बाद हम करेंगे रिस्ट राउंड, वो भी हमें स्लोली करनी है, इससे हमारे हैंड में दर्द नहीं होगा। तो थोड़ा हैंड्स को पुल अप डाउन करेंगे। तो उसके बाद हमें हैंड को हल्के से ऊपर करते हुए हिल को भी अप करना है। थोड़ा 2 सेकंड रुकते हुए नीचे झुक जाना है। देखो हिल मेरे थोड़े से अप है, ओके। तो उसी के साथ हैंड को, हमारा जो पाम है उसको नीचे टच करते हुए हमारे जो नीज है उसको स्ट्रेट रखना है। पोजीशन हमें अप डाउन करते हुए 5 सेकंड तक मिनिमम करनी है, ओके दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वार्म अप की तरफ। तो उसके बाद हम करेंगे शोल्डर राउंड, ये भी स्लोली करना है। जो मेरे एल्बो है देखो टच हो रहे, तो आपको भी स्लोली उसको टच करके करना है। सेम हम रिवर्स करेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे कमर, तो हमारे जो वेस्ट है उसको राउंड करना है स्लोली। तो हर एक जो वार्म अप हम करने वाले हैं वो 5 सेकंड आप करिए। जैसे आपकी स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो जब जैसे बढ़ती जाएगी, आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा, तो आपके जो 5 सेकंड है वो आप 10 सेकंड मिनिमम 20 सेकंड तक कर सकते हैं। तो उसके बाद लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए हमें चेस्ट को थोड़ा सा आगे लेना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ उसी जैसा राउंड मारना है हमें। तो ये सेम पोजीशन हम रिवर्स भी करेंगे, मिनिमम 5 सेकंड कर दीजिए। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 10 काउंट, 20 काउंट, लाइक दिस। ये स्लोली ही करना है। अगर आप एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको आएगा ज़रूर। तो उसके बाद हम करने वाले हैं नी रोटेशन। तो नीज को रोटेशन करना है लाइक दिस, एक साइड से घुमाते हुए। फिर सेम हमें अपोजिट साइड से रिवर्स घुमाना है इसको। तो उसके बाद हमें करना है साइड प्रेस। साइड प्रेस से आपकी जो बेली है उसके ऊपर प्रेस पड़ने वाला है साइड से। यह भी हमें स्लोली डाउन जाना है लाइक दिस। अगर आप न्यू हो तो आपका हैंड थोड़ा सा डाउन जाएगा, उसके बाद नीचे नीचे होते हुए आपके जो शूज़ है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको स्लोली ये करना है। उसके बाद हाथ कमर पे रखना है, तो वेस्ट पे रखते हुए सेम पोजीशन करेंगे। देखिए जो साइड वाली बेली है यहाँ पे आपका प्रेस पड़ने वाला है। तो उसके बाद हम करेंगे क्रॉस प्रेस। तो उसमें क्या करना है, अगर हम राइट हैंड ले रहे हैं तो उसके साथ लेफ्ट लेग अपोजिट भी सेम करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें चेस्ट को अप रखते हुए नीज को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और क्रॉस करते जाना है। तो इसके बाद हम करने वाले साइड नीज प्रेस। तो उसको क्या करना है, हमारे जो नीज है उसको, पिछले वाला जो नीज है उसको स्ट्रेट रखते हुए आगे वाला लेफ्ट लेग अगर ले रहे हैं आप, उसको बेंड करना है और ऊपर देखना है, जैसे हमारा बॉडी का एंगल बना है लाइक दिस। जो नेक है वो सीधा सामने चाहिए,
इसी के साथ हमें नेक्स्ट एक पोजीशन करनी है जिसमें हम हमारे जो हैंड है उसको अप करने वाले हैं लाइक दिस। ये भी हमें स्लोली करना है, तो इससे आपकी जो थाइज है उसके ऊपर प्रेस पड़ने वाला है। तो इस वार्म अप से आप जब ट्रैकिंग करने जाओगे या कहाँ पे घूमने जाओगे तो आपके जो थाइज रहते हैं उसमें दर्द जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इससे आदत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम करने वाले सिटअप्स। तो ये सिटअप्स में बेसिक में क्या करना है, दोनों लेग को साथ में लगते हुए अगर राइट लेग को बाहर निकलना है तो सेम दोनों हाथ सामने रखते हुए साइड को स्लोली बैठना है, स्लोली बैठना है। जब हम ये फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, अगर आपका पेट निकल आया है मतलब थोड़ी सी चर्बी रहेगी तो, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे आदत होती जाएगी तो आपको विदाउट हैंड मतलब हैंड को नीचे बिना रखते हुए भी आ जाएगा लाइक दिस। और अगर ये आप घर पे कर रहे हो तो आप चेयर टेबल का भी सपोर्ट ले सकते हो, तो आपको ये इजीली आ जाएगा। तो अगर आपको ये 50 या 100 तक ये आपको सिटअप्स आने लगेगा तो आपका बहुत स्टैमिना बढ़ने वाला है। तो इसके साथ आपकी बनेगी स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेचिंग आपको सोच भी नहीं सकते लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो आपको ये कंटिन्यू करना है, इससे आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉडी बहुत फिट बनने वाली है लाइक दिस। तो दोस्तों सेम आपकी भी ऐसी स्ट्रेचिंग बनने वाली है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेग्स है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए और थाइस को टच करते हुए पीछे थोड़ा सा झुक जाना है, उसके बाद स्लोली नीचे जाना है इनसाइड में हाथ लेके। तो स्लोली फिर से सेम पोजीशन पीछे करेंगे, थाइस को टच करते हुए पीछे बेंड होना है। तो ये भी पोजीशन आप 5 सेकंड तक फर्स्ट टाइम कर सकते हो। तो ये आपको बैक या जो कमर रहता है चक्रासन वो करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वार्म अप के साथ। तो हमने अभी तक देखे है कि खड़े होके स्टैंड होके हमें वार्म अप कौन से करने चाहिए थे, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले नीचे वाले वर्कआउट। तो चलो, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, जो हमारे जो लेग्स है उसको स्लोली राउंड घुमाना है, अप डाउन करने हैं जो हमारे टोज है उसको। ओके, तो इसका भी हमारा वार्म अप हो जाएगा। तो हमें लेग्स को इस तरह से सीधा रखते हुए नीचे प्रेस करना है। ओके, तो हमारे जो नीज है वो पूरे तरह से स्ट्रेट होने चाहिए, लेग्स में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्लोली आपके हैंड स्टार्टिंग में नहीं पहुंचेंगे लेकिन धीरे धीरे हमारे लेग्स तक या शूज तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमें पुल करना है, हैंड की पोजीशन भी स्ट्रेट रखनी है। ओके, तो ये भी हम 5 सेकंड मिनिमम 10 सेकंड तक करते जाएंगे। तो ऐसा आप कंटिन्यू 5 या 10 सेकंड तक कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट करना है साइड प्रेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लेग लीजिए, चलो हम मैं तो अभी लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट लेग लिया बाहर, उसके साथ लेफ्ट हैंड स्ट्रेट हमारे शूज या जो लेग का जो अपना थंब है उसको पकड़ते हुए नीचे स्लोली जाना है। देखो जो हमारे जो नीज है जो लेग है बहुत स्ट्रेट है, और जो राइट वाला जो नीज दिख रहा है वो देखो किस पोजिशन में। ओके, तो सेम हमें अपोजिट साइड करना है, राइट लेग को बाहर लेते हुए राइट हैंड को भी लेते हुए स्ट्रेट डाउन जाना है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा होल्ड करना है 5 सेकंड। ओके, तो ये भी आपकी पोजीशन स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी बन जाएगी। इससे भी हमारे जो बॉडी के स्ट्रेचेस है, लेग के जो स्ट्रेचेस है उसमें बहुत अच्छा सा फायदा होने वाला है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों लेग्स है उसको ओपन करते हुए हमारे जो दोनों हैंड है, ओके, तो उसको साइड टू साइड करने वाले हैं। तो सेम लेफ्ट साइड देन राइट साइड। ठीक है, तो ये भी हमें 5 सेकंड करना है। जब भी हम कुछ भी एक्सरसाइज करोगे वो हमें धीरे धीरे करना है, वो इतना याद रखेगा। तो वो जिम हो या हम अगर घर में कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो। तो सेम इसी में हम नेक्स्ट पोजीशन कर रहे हैं। देखो एक हाथ पीछे रखते हुए अगर ये आप करोगे, ओके, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो बहुत अच्छे से नीचे जाने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमें हमारा जो हैंड है उसको सामने रखते हुए सामने की तरफ प्रेस करना है।
ओके, तो ये भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत स्लोली जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इसकी आदत होने के कारण ये मेरा पूरा बैठ रहा है, तो आपको भी स्ट्रेट बैठना है पहले और नीचे जाना है, तो उसके बाद हम बटरफ्लाई वाला पोजिशन करेंगे। तो इसमें हमारे जो नीज़ है वो नीचे टच होने चाहिए और जो हमारे जो लेग्स है उसको अंदर पुल करना लाइक दिस, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हलासन। तो हलासन करने में क्या करना है, हमें पहले सीधा लेट जाना है, ओके, लाइक दिस। हाथ को हमारे कमर के नीचे लेते हुए लेग्स को इस तरह से अप करना है। तो अगर आप हाथ का सपोर्ट ऐसा इस तरह से लोगे तो आप स्ट्रेट रुकने वाले हो, ओके, लाइक दिस। तो लेग को आगे पीछे करना है स्लोली स्लोली, ये भी आपको एक 5 सेकंड करते रहिए। तो काउंट पे आप करोगे तो आपको बहुत आसानी से होने वाला है। तो लेग्स को इन आउट करना है, आगे पीछे करना है, ओके। तो इसके बाद हम करेंगे चक्रासन, जिसको बोलते हैं कमान। तो वो एक पोजीशन है, हमारे जो दोनों हाथ है वो कान के लाइन में आना चाहिए और उसको उल्टा रखते हुए बॉडी को अप करना है ऊपर। देखो मेरे जो हील दिख रहे हैं वो इस तरह से नीचे टच होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा उसका प्रेस पड़ने वाला है। जो हील अभी अगर आप अपने अगर अप कर दिए तो उसका प्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। तो ऐसे हील नीचे ही रखने हैं। तो जब भी आप चक्रासन करोगे उसके बाद रोली रोली वर्क की पोजीशन रहती है, जिससे आपने जो अभी चक्रासन किया उससे अगर पीठ को थोड़ा सा कुछ दर्द महसूस हो रहा है तो वो निकल जाएगा, तो थोड़ा सा रोली रोली करना पड़ता है, ओके दोस्तों। तो उसके बाद हम करने वाले हैं साइड टच। तो उसमें क्या करना है, राइट हैंड लेके लेफ्ट लेग को टच करना है, लाइक दिस उठना है। तो थोड़ा राइट, अगर हम लेफ्ट वाला कर रहे हैं तो राइट वाला हैंड से सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर हम अपोजिट कर रहे हैं तो अपोजिट वाला हैंड से सपोर्ट ले सकते हैं, ओके। तो दोनों पे एक साथ करना है। ये पोजिशन स्लो करो, उससे क्या होगा आपके जो पेट है, ओके, एप्स को उसका बहुत अच्छे से इफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वार्म अप आप कर रहे हो तो बहुत स्लोली करना है, सावधानी से करना है, क्योंकि कुछ लोगों को अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्रैम्प भी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम स्लोली 1, 2, 3 काउंट के साथ स्टार्ट कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वार्म अप के साथ। तो हमें क्या करना है, ऐसा उल्टा लेटते हुए दोनों पैर को बाहर से पकड़ते हुए ऐसा पुल करना है। तो कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है वही सिर्फ नीचे होना चाहिए, और हमें नेक को अप करते हुए थोड़ा सेकंड रुकते हुए ये पोजीशन रखनी है। तो लेग रहेंगे स्ट्रेट, ऊपर देखना है लाइक दिस। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे देखते हुए लेग को स्ट्रेट रखना है, ओके। उसके बाद लेफ्ट आगे, अब देखो लेफ्ट लेग को आगे लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है, सेम राइट लेग को आगे लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है, ओके। तो नीचे सेम पोजीशन रहेगी, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं हैंड प्रेस, इसको बोलते हैं वन हैंड प्रेस लाइक दिस। ये भी हमें 5 सेकंड रुकते हुए करना है स्लोली। जैसे जैसे हाथ का स्टैमिना बढ़ता जाएगा आपके काउंट भी बढ़ते जाने वाले, ओके। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वार्म अप की तरफ, जो कि है अर्धमचंद्रासन। उसमें स्टार्टिंग में हमें तो हमारा जो राइट लेग है उसको क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग का एल्बो राइट लेग के नीज को लगाते हुए राइट लेग का जो पाम है या थंब है वहाँ पे करना है, और जो राइट हैंड है उसको पीछे करते हुए राइट साइड में देखना है, मतलब ऑपोजिट साइड देखना है, ओके। तो सेम करेंगे हम ऑपोजिट, लेफ्ट लेग को क्रॉस रखते हुए राइट लेग का जो एल्बो है उसको, जो लेफ्ट लेग का जो नीज है उसको टच करना है, मतलब पुश करना है, ओके। जो राइट हैंड है वो जाएगा लेफ्ट लेग के थंब के यहाँ पे, और सेम जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको पीछे रखते हुए क्रॉस देखना है। तो दोस्तों लास्ट वाला पोजीशन है साइड टू साइड, उसमें क्या करना है, हैंड को साइड में रखना है, लेफ्ट को और अपने जो लेग है उसको साइड टू साइड करना है। जब भी हम करोगे तो आपका हमारा जो दोनों हील है उसको अप करते करो तो इफेक्ट ज़्यादा जाएगा, तो ऐसे करना है लाइक दिस, ओके। तो ये हमें फास्ट फास्ट करो, स्लो स्लो करो, वो आपको इफेक्ट होने वाला है।
ओके। तो ये वार्म अप ख़त्म होने के बाद हमें नॉर्मली जंप करना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, हाई जंप करने पड़ते हैं, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये नॉर्मल जंप है, बेसिक जंप है, तो वो हमें करने हैं। अगर आपके पास स्किपिंग है तो स्किपिंग कर सकते हो, ओके। तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम करेंगे हाई जंप। उसमें हाई जंप में क्या करते हैं, जो हमारे जो नीज है वो हमारे चेस्ट को लगना चाहिए, लाइक दिस, ओके। तो मेरी एक टिप्स है, वो टिप्स ऐसी है कि अगर हम वार्म अप शाम को कर रहे हो तो सुबह सुबह उठ के आप रनिंग करो, स्किपिंग करो, ओके, या स्विमिंग करो, तो आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी लॉस होने वाला है, उसको आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होने वाला है, ओके। तो जैसे कि मैं ये लास्ट वाले जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ओके, वो झिकझक जंप है, ओके। तो इससे भी आपकी जो बेली है उसके ऊपर बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है। तो ये भी करते समय आपके जो हील है उसको अप करते हुए साइड करना है, मतलब राइट हैंड, अगर हम राइट साइड में कर रहे हैं तो लेग जो है वो लेफ्ट को जानी चाहिए, उसके साथ जंप करने है, ओके। तो हर एक के घर में सीढ़ियाँ रहती है, तो हम इसी के साथ ये भी वार्म अप या वर्कअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वार्म अप है, आपको कंटिन्यू करना है, ओके। तो आपको 7 दिन में रिजल्ट पक्का 100% दिखने वाला है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो अपडेट, थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि हर बार हम एक नए नए बॉडी पार्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि हर बॉडी को कौन से एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।